प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि संगठन जो है अब तेज प्रताप यादव संभालेंगे। संगठन संभालेंगे क्या है, क्या कारभार मिलेगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो देंगे, ठीक रहेगा, चलाया जाएगा। संगठन केवल एक व्यक्ति से नहीं चलता है। नहीं, आप मानते हैं कि आप इतना मैच्योर हो गए, आपके कंधे मजबूत हैं, आप संगठन चला सकते हैं? जनता ही मेरा इतना मजबूत है। ये भी थी कि आप राजनीति से दूर हो जा रहे थे, होते जा रहे थे, और कई राजनीति से हम दूर नहीं हो रहे थे। हम वृंदावन गए थे, श्री कृष्ण भगवान के हम भक्त हैं, वहाँ सुदर्शन चक्र लेने गए थे दुष्टों का विनाश करने के लिए, अपना गरीब का राज लाने के लिए। कुमार जी बंगला दिए हैं, उस चीज के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, व्यक्तिगत संबंध सब लोगों से होता है, हर एक किसी लोगों से होता है, लेकिन पॉलिटिकल जो लड़ाई है वो तो लड़ाई आजीवन जारी रहेगी। वही तेज प्रताप यादव के जनता दरबार पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने कहा कि तेज प्रताप को राजश्री जीवन जीने की आदत रही है, जिसकी वजह से सत्ता जाने के बावजूद वो जनता दरबार लगा रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव जी और उनके पूरे परिवार को सेवा का मौका दिया था बिहार की जनता ने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जनता के साथ कोई न्याय नहीं किया, जिस कारण आज माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की सरकार, जनता दल यू और बीजेपी की सरकार आज वहां है। ऐसी स्थिति में बेवजह का वो जनता दरबार लगा रहे हैं। अब राजसी आदत है, आदत तो जाती नहीं है।